अंबर घर वापस आओ, पापा कह रहे हैं। मैं घर तब तक नहीं आऊंगी जब तक हसाम नहीं आ जाता। अंबर, पप्पू बच्चों आपसे बात करना चाह रही है। जुबी ने अच्छा नहीं किया, क्या कमी दी थी उससे, हर तरह का ख्याल रखा, कोई ऊंच नीच नहीं हुई। अगर कोई मियां बीवी में बात हुई भी है तो इसका ये मतलब नहीं कि इंसान घर छोड़ के चला जाए। मैं जानती हूँ पप्पो, जुबी को ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं जब हसाम भी घर पर नहीं है। तुम खुद मुझे बताओ क्या जवाब दूंगी मैं हसाम को, क्यों चली गई जुबी इस घर से। अरे उसने मेरी नेकियों का ये सिला दिया है मुझे, जब सारी दुनिया उसके ऊपर थू थू कर रही थी तो मैंने गले लगाया। पप्पो, क्या अंबर वापस आ सकती है? हाँ, आ सकती है। मैं घर में अकेली रह रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आ सकती है वो। जी पप्पो, मैं समझ गई। हाँ ठीक है बच्चों, आप बाबा को समझा दीजिए। इस वक्त मेरा पप्पू के साथ रहना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज। अंबर ने कहा है कि वो पप्पू को अकेला छोड़ के घर वापस नहीं आएगी। जब तक हसाम वापस नहीं आ जाता। हालांकि ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी। जुबी, दुनिया में हमेशा शादियां मोहब्बत की बुनियाद पर तो नहीं होती ना। लोग फिर भी रिश्ते निभा रहे होते हैं। तुम भी निभा लेती। शावेस, मीटिंग कैसी रही? बेहतरीन। वैसे
ईशल को ज्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं, she's fine. गुड. पूछ मैं इसलिए रहा हूं क्योंकि आज से पहले कभी तुम मीटिंग छोड़कर नहीं गए. वो आज से पहले ईशल का एक्सीडेंट भी तो नहीं हुआ ना भाई? ये सब क्या हो रहा है? ये बच्चे क्या कह रहे हैं? सलमा से क्या पूछ रहे हैं फारूक भाई? बच्चों से पूछें? डैड, मैं बताता हूं. तुमसे बताया नहीं जाएगा. कैसे बताओगे? हाँ, एक लड़की जिसको तुम अपनी क्लास फेलो की हैसियत से जानते हो, आज उसके बुलाने पर तुम ऐसे चले गए जैसे वो तुम्हारी जिंदगी भर की साथी हो. बाज, मारे सब क्या कह रही है? कुछ नहीं डैड, मारा तुम बिला वजह नेगेटिव हो रही हो. ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने हम दोनों को फोन करके बुलाया है. डैड, दरअसल बात यह है कि उसका हमारे अलावा कोई और दोस्त नहीं है. शी जस्ट कॉल्ड अस और एक्सीडेंट के बाद उसने हमें बुलाया, दैट्स ऑल. इसीलिए वो तुम पर गिर रही थी और तुम उसे अपनी बाहों में संभाल रहे थे? जस्ट शट अप मायरा. आज सोच समझ कर कहा करो क्या कह रही हो. मैंने गलत क्या कहा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही, सब क्या हो रहा है? फारूक, आप मुझे बताइए, मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से कैसे कर सकती हूं जो उसकी दोस्त में दिलचस्पी ले रहा हो? फारूक, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा. हमें इस रिश्ते के ऊपर नजरसानी कर लेनी चाहिए. हेलो, मैं किरत बात कर रही हूँ. अगर आज भी हम एक दूसरे को फोन करके अपना नाम बताना पड़े तो इतना वक्त साथ गुजारने का क्या फायदा? मैं बहुत परेशान. मैं भी. आप परेशान क्यों हैं? तुम परेशान हो, फिजा परेशान है, तो मुझ तक असर कैसे नहीं आएगा? आई एम सीरियस शावेस. संजीदा तो मैं भी हूं बहुत अरसे से. आई टोल्ड यू आई एम सीरियस अबाउट यू. जुबिया पता नहीं क्या सोच के घर वापस आ गई. कहती है कि क्या कहती है? कहती है कि हसाम से डिवोर्स लेकर अंबर की शादी उससे करवा देगी. देखो, उसने कुछ महसूस किया होगा तभी इतनी बड़ी बात कहती, वरना बगैर सोचे समझे ऐसी बात नहीं कर सकती. हाँ, लेकिन हसाम इस वक्त आउट ऑफ स्टेशन है. मैं उससे ये सब बात करके उसे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए अभी तक असल बात का पता ही नहीं चल पा रहा. ओ, तो इसलिए मोहतरमा आज ऑफिस में है? ऑफिस? देखें, इस सब में मैं ऑफिस की बात तो भूल ही गई. लेकिन अपनी परेशानी में तुमने मुझे कॉल करके मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब दे दिया. ये आप क्या कह रहे हैं शावेस?
वो भी जो तुमने सुना। तुमने ये नहीं सुना कभी कि मुसीबत और परेशानी में याद आने वाला दिल के बहुत करीब होता है। शावेस आप देखो, आप कोई फजूल सी बात करके मेरी खुशी मत खराब करो प्लीज। अच्छा कल आ रही हो ना? पता नहीं, मैं इंतजार करूंगा। मुझे फोन करना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं शावेस इस बात को कैसे ले रहे होंगे। शायद नहीं, यकीनन वो समझ रहे हैं कि मुझे उनसे मोहब्बत है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता कि मुझे उनसे मोहब्बत है, हालांकि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी बहन के ही भाई हो, मेरे दोस्त नहीं। क्या जरूरत थी तुम्हें सबके सामने ईशल का जिक्र छेड़ने की? बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से बाकी सबके भी दिल बुरे हुए हैं। तो तुम खुद क्यों नहीं बता देते कि तुम्हारे और ईशल के दरमियान आखिर रिश्ता क्या है? ये सवाल करके तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। अपने और मायरा के रिश्ते के बारे में सोचो। कभी ये सोचा कि उसे कितना दुख हुआ होगा? सवाल यह नहीं है कि उसे दुख हुआ है या नहीं, अफसोस तो इस बात का है कि तुमने सबके सामने मुझे मुजरिम साबित करके अच्छा नहीं किया। और तुम पर ये रंग भी बहुत जच रहा है। ये रंग तुम्हारी मोहब्बत का है जो चारों ओर फैला हुआ। Oh.
हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो क्या मैं भी पप्पू को अकेले छोड़कर आ जाती? मेरा मतलब है, जूबिया कहाँ है? वो कहने लगी हसाम तो चला गया है, मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? इम्पॉसिबल, वो ऐसा नहीं कह सकती, जरूर तुमने कुछ किया होगा। ओहो, बड़ा यकीन है उस पर? बाय द वे, वो ऐसा कर चुकी है। जरूर तुमने उससे कुछ कहा होगा। मुझे कोई शौक नहीं दूसरे के झगड़ों में पड़ने का। अच्छा, अम्मी कहाँ है? उनका ब्लड प्रेशर हाई है, मेडिसिन दी है, अब वो सो रही है। कहते हो तो जगा दूं। जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जूबिया कैसे जा सकती है? अंबर गलत बोल रही है, बिल्कुल गलत। अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई है और मैं सारा दिन अपनी मसरूफियत की वजह से घर फोन भी नहीं कर सका। हाय मायरा, आर यू मैड? आज के बाद अगर तुमने वहाज का नाम भी लिया ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। वो शख्स जो तुम्हारा नाम तक सुनना पसंद नहीं करता, उसकी वजह से तुमने मुझे थप्पड़ मारा। नफरत करता है वो तुमसे, सिर्फ नफरत। तो मैं भी उससे कोई मोहब्बत नहीं करती, समझी तुम? तो इस थप्पड़ की वजह क्या है? मैं बताना जरूरी नहीं समझती। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा मायरा हसन, बहुत। मायरा, कहां से आ रही हूं? तुमसे मतलब? तुम्हारा रवैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों कर रही हो ऐसा? क्या कर रही हूं? तुमने ईशल को थप्पड़ क्यों मारा? ओ, तो मेरे घर आने से पहले मेरी शिकायत आ गई। इसे कहते हैं दोस्ती, जो तुम दोनों मिलकर निभा रहे हो। मैं दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, उसूल की बात कर रहा हूँ। तुम्हें ईशल को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। तुम मेरे मंगेतर हो, उसूली तौर पर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए या उसका? लेकिन तुम उसके साथ बिहेवियर क्यों कर रही हो ऐसा? मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम उससे मत मिलो। आर यू जेलस? तुम कब से इतना इनसिक्योर होने लगी? मैं जेलस? माय फुट। मिस्टर बहाज, अपनी गलत फहमी को दूर कर लो। मुझे कभी कोई इनसिक्योर नहीं कर सका और ना ही मैं कभी इनसिक्योर होती हूँ। अगर तुम जेलस नहीं हो, इनसिक्योर नहीं हो,
तो जाके किसी सेक्रेटरी से मिलो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा अगर तुम्हें कोई शिकायत थी तो मुझे कह देती, दिल में क्यों रखा तुमने? अब नहीं रखूंगी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अगर मैं चली गई तो वो यही समझेगा कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूं। नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो ये समझे कि मैंने उसके इंतजार की लाज रख ली। आज तुम ऑफिस नहीं गई? बाबा घर में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मैं सब ऐसे ही छोड़ के तो नहीं जा सकती ना। किरत बेटा, ये जो मुश्किलात हैं ना, ये रास्ते के पत्थर की तरह होती हैं। तुम चाहो तो ठोकर मारकर इन्हें रास्ते से हटा दो और चाहो तो रुकावट समझ के रुक जाओ। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी इतनी मजबूत है कि वो अपने रास्ते की सारी रुकावटों को हटाना जानती है। देखो, अगर आज तुम इन रुकावटों से डर गई ना, तो जिंदगी में आने वाले मसाइल का सामना नहीं कर पाओगे। जी बाबा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं चली जाती हूँ ऑफिस। सुनो, तुम कुछ कहना चाह रही हो मुझसे? जी बाबा। बोलो बोलो, मुझे तुम बहुत उलझी हुई लग रही हो। बाबा, आपसे बात तो करनी है मुझे, लेकिन अगर अभी बात करने बैठूंगी तो ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। तभी मैं चाहती हूँ, खुदाफिस। इसीलिए कहता था कि शादी जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। मंगनी की मुद्दत जितनी तवील होती है, दिलों में रंजिशें इतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। और तुम दोनों तो एक ही घर में रहते हो। डैड, मैं तो अब सोच रहा हूं कि पता नहीं शादी होगी भी या नहीं। शादी जरूर होगी और बहुत जल्द। इतनी गलतफहमियां होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं? गलतफहमियां पैदा हो जाने से रिश्ते खत्म नहीं होते। आज खुद को समझाओ। तुम्हारी और मायरा की शादी हमारे बिजनेस और फैमिली रिलेशनशिप के लिए बहुत जरूरी है। ओके डैड, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तैयार हो जाओ। मायरा जी, मैंने इशल के बारे में मालूमात हासिल की हैं। उसका बाप दुबई में 2-3 लाख रुपए तनख्वाह पे मुलाजिम है। क्या जरूरत थी आपको उसके बारे में मालूमात हासिल करने की? मैं ये देखना चाहती थी कि मेरी बेटी और होने वाले दामाद के बीच में कौन आ रहा है। होने वाला दामाद,
अच्छा है। तुम कहीं जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। सोचा था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूके चली जाऊंगी, मगर अब यही रहने का ही रहता है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने यूनि ज्वाइन कर ली है। इसमें बताने वाली कौन सी बात है। खैर मैं जा रही हूँ, आज पहला दिन है मेरा, लेट नहीं होना चाहती। सर पिछली मीटिंग के कमेंट्स इस फाइल में नहीं लिखे गए। क्यों? सर ये काम मिस किरत करती हैं, वो नहीं आई तो। What do you mean? अगर मिस किरत ऑफिस छोड़ देंगी तो क्या ये काम कोई और नहीं करेगा? मिस्टर एजाज हमारे पास बैकअप होना चाहिए। जाइए किसी और को तैयार कीजिए, लेकिन मेरा काम लेट नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अभी। अब जाइए, मैं आपको थोड़ी देर में बुलवाता हूँ। मिस किरत आ जाए तो उन्हें भेज दीजिएगा। अभी नहीं, अभी मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए, जाइए यहाँ से। Yes. ईशल, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। पहले ही बहुत से मसाले पड़ चुके मेरे लिए। हाँ जाहिर सी बात है, जिसकी इतनी बदतमीज मंगेतर हो उसके साथ तो मसाइल होने ही है। Behave yourself. Okay. उसे कहो कि मुझसे माफी मांगे अभी। वो तुमसे सॉरी नहीं कहेगी। लेकिन तुमने उससे पूछा उसने मुझे थप्पड़ मारा क्यों? देखो प्लीज, मुझे अपने और मायरा के दरमियान मत घसीटो। तुम ही तो दरमियान में हो। ओके, मैं अभी उसे जाके सब बता देती हूँ। क्या? कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तुम? अब आइए मिस करब, आइए। जस्ट लीव। अब सब आपने बुलाया था। मिस किरत, कल आप ऑफिस से बगैर बताए क्यों चली गई थी? आपको ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस का बिल्कुल ख्याल नहीं है, जबकि आप ऑलरेडी ये जानती हैं कि अगर किसी को छुट्टी चाहिए तो उसे चाहिए कि ऑफिस में इन्फॉर्म करें, लेकिन आप। I'm sorry, sir. What sorry? थक गया हूं मैं आपकी सॉरी सुन सुन के। एक्सक्यूज मी सर, मेरा ख्याल है कि आपके मियाद पर मैं कभी पहुंच ही नहीं सकती। इतने महीने हो गए मुझे इस ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन आज भी आपको मुझसे वही शिकायत जो पहले दिन थी। हाँ तो आप सोचती क्यों नहीं है, ऐसा क्यों करती हैं आप? You know what? Now exactly I know what to do. मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं कि अब मुझे क्या करना है। Thank you. आपने देखा वहाज आजकल क्या कर रहे हैं? अब जानता हूं भाभी, मुझे अपने बेटे पर फख्र है। और जहां तक बात ईशल की है तो। ईशल की कोई बात नहीं है, वो हमारी क्या लगती है, लेकिन उसकी वजह से अगर मेरी बेटी हर्ट हुई मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पता नहीं आजकल की नस्ल को क्या हो गया है। ये सब क्या है बात? शावेज प्लीज यार, मैं इस वक्त किसी भी किस्म के डिस्कशन के मूड में नहीं हूं, पहले ही बहुत फेड अप हो चुका हूं मैं। जिंदगी के चैप्टर इस तरह क्लोज नहीं किए जाते। आज मूड नहीं है, कल मूड नहीं है। तुम दोनों बहन भाई क्यों खिलाफ हो गए हो मेरे? हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है बहाज, लेकिन तुम हमें अपने खिलाफ कर रहे हो।
बहुत फर्क है इन दोनों में, याद रखना। आपने किरत को ऑफिस से निकाला? हबीब, बिना वजह कंपनी से किसी को इस तरह नहीं निकाल सकते। There should be a reason. मैं मौके की तलाश में हूँ, जैसे ही कोई मौका बना मैं उसे निकाल दूंगा। आप उसके मुलाजिम हैं या वो आप? मौका तलाश करने की आपको क्या जरूरत है? बोल दीजिए कि हमें उसे ऑफिस में नहीं रखना, ऑफिस से निकाल दीजिए आप उसे। हेलो सर, मैं किरत बात कर रही हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर मैं इस जॉब से रिजाइन कर रही हूँ। मगर क्यों? कुछ नहीं सर, मुझे लगता है कि शायद मुझे काम आता ही नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। क्या बात है बेटा, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सर मालिक लोग तो हमेशा मुलाजमों को बातें सुनाते रहते हैं, मुलाजमों में बर्दाश्त होनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों मुझ में नहीं है। क्या बात है बेटा, कोई बात हुई है? बताओ मुझे। कुछ नहीं सर, मैं आपको फोन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये जॉब बाबा और आपकी वजह से की थी, इसलिए बता कर जाना चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़। बाबा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। बाबा, मैंने अपनी मुलाजमत छोड़ दी। मैं तुमसे पूछूंगा नहीं कि क्यों छोड़ी, तुम्हारा फैसला गलत नहीं हो सकता। आप ही बताइए बाबा, मैं शावेज साहब के प्रपोजल का क्या जवाब दी थी, इसीलिए मैंने अपनी मुलाजमत छोड़ दी। तुमसे अच्छा कोई नहीं है। आई लव यू बाबा। किरत ने रिजाइन कर दिया, मगर क्यों? फारूक इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? अच्छा हुआ उसने खुद रिजाइन कर दिया, वरना मैंने तो आपको बोला था कि आप उसे कंपनी से निकाल दें। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? हाँ शाबी, मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारी कंपनी में काम करे, मैंने ही कहा था कि उसे कंपनी से निकाल दें। मामा एक आम सी लड़की है वो, हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक मामूली सी वर्कर से ऐसी क्या परेशानी होगी कि आपने ऐसा फैसला कर दिया? मायरा बेटा, ऐसे नहीं कहते, किरत बहुत अच्छे घर की लड़की है। वो लड़की मामूली कैसे हो सकती जिससे हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक
मोहब्बत करता हूं। उस हसन ग्रुप ऑफ कंपनीज की मामूली सी वर्कर को मैं इस घर की मालकिन बनाना चाहता हूं। वो मेरी मोहब्बत नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज। साया